हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस वीडियो में आई जी एविजन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीके जीएस और मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये प्रैक्टिस सेट साथ है तो वीडियो का एंड तक देखना इससे पहले छह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे आपने इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जरूर देखिएगा वहाँ से आपने अपना एडवेंट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर बताएँ क्या होगा सभी स्टूडेंट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का आनंद मठ के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का भारत की सबसे पहली राज्यपाल कौन थी सरोजिनी नायडू इसे भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दूसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वस्तु पच्चीस परसेंट के प्रॉफिट में बेची यदि वह इसे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम मूल्य पर ख़रीदता और इसे तीन हज़ार रुपये कम पर बेचता तो उसे फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट होता वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ध्यान करें सिंपल सा क्वेश्चन है तरीके से बताऊंगा आप ध्यान देना थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आप मान लीजिए वह वस्तु थी हंड्रेड रुपये की अब उस पर पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट एक सौ पच्चीस की बिकेगी लेकिन वो बोला है इसे पच्चीस परसेंट कम पे खरीदते सौ की ना ख़रीद के 75 की खरीदते उसे तो उसे 40 परसेंट का प्रॉफिट होता फोर्टी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दो बट्टे पाँच अगर हम दो बट्टे पाँच पिचत्तर का निकाल लें तो कितना होता है तो ये होता है थर्टी अब थर्टी पचहत्तर में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा तो थर्टी पिचत्तर में जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा तो हम फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट करेंगे पिचत्तर पे तो एक सौ पाँच आएगा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे पिचहत्तर का आप निकालेंगे एक सौ चालीस बटे हंड्रेड आप इसे सॉल्व करेंगे अब इस बिल वैल्यू को इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप तो एक सौ पाँच आ जाएगी इतना आप कर सकते हो अब आगे देखेंगे आगे करते हैं हम तो यहाँ पर बोला है कि अब मतलब एक सौ पच्चीस की ना एक सौ पाँच की बेका बेचने पर फोटी परसेंट का प्रॉफिट होता है लेकिन यहाँ पर कितने कम बिक रहा है बीस कम अब ये बीस यूनिट की वैल्यू दे रखी तीन हज़ार क्योंकि तो ये बोला तीन हज़ार कम पर ख़रीदता है सॉरी बेकता है लेकिन यहाँ पर बेक रहा है ये सौ पच्चीस की नहीं है उस पाँच की बेक रहा है तो कितना कम बेच रहा है बीस कम अब बीस यूनिट की वैल्यू दे रखे तीन हज़ार आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हंड्रेड यूनिट की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे तो ये तो तीन हज़ार रुपये दे रखा है आपको ये बीस यूनिट की वैल्यू है आप हंड्रेड यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं अब सिंपल हो गया क्वेश्चन आप बीस से काटेंगे पाँच बार कट जाएगा पाँच मल्टीप्लाई तीन हज़ार करेंगे तो फिफ्टीन थाउजेंट आ जाएगा तो इसका रिटर्न आंसर फिफ्टीन थाउजेंट हो जाएगा पंद्रह हज़ार रुपये इसका राइट आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है आई होप आपको समझ में आया होगा सिंपल सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट क्या होगा तीसरा क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो ये किया था विनोबा बाबे ने तो राइट आंसर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष करेक्ट आंसर क्या है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है पाँचवें क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर इयर्स में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज सिंपल एंड इंटरेस्ट मूलधन का सेवन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाती है ब्याज दर ज्ञात करें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है तो यहाँ पर बोला है चार वर्षों में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का सात बट्टे पच्चीस है तो ब्याज दर ज्ञात करें तो रेट पूछ रहा है रेट कितनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप चार ईयर्स में हो रही है तो सात का चार ईयर्स हम निकालेंगे ये जो सात हो रहा है सात मतलब ये इसमें बोला है सात बटे पच्चीस अगर मूलधन पच्चीस है तो इंटरेस्ट कितनी है सिंपल इंटरेस्ट सात है अब ये सात कितने ईयर्स में चार ईयर्स में खुद ने बोला है क्वेश्चन ने अब आप क्या करेंगे जो ये सात दे रखिए इसे हम एक ईयर का कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम रेट निकाल पाते हैं अब एक ईयर का मूलधन धन पर कैलकुलेट करते हैं तो लेकिन ये सात दे रखा है ये चार ईयर रखा है तो चार से डिवाइड कर दो एक ईयर का निकल आएगा अब आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रेट निकालनी है परसेंटेज में जब भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं ये सभी जानते हैं तो आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली सिंपल सा क्वेश्चन हो गया पच्चीस सौ तो कितना आ गया सेवन परसेंट आ जाएगा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पच्चीस चक सौ सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा और सेवन परसेंट इसका वैल्यू आ गया तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल था सॉल्व होने के बाद आपको समझ में आया होगा छठे में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बंगाल की एशिया सोसाइटी सत्रह सौ चौरासी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे तो राइट आंसर बताओ इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जॉन्स तो राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी सम भारत के संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई तो ये कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी राइट आंसर है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आठवें क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या होगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर तो राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन एस का राइट आंसर है वैसे तो यहाँ पर ये चारों को नोबेल पुरस्कार मिला है मिल चुका है तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था सी वी रमन को उन्नीस सौ तीस में और अमृत सेन को किस में मिला था तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था इन्हें और हरविंद गोविंद खुराना को इन्हें मिला था मेडिसिन के फील्ड में चिकित्सा शास्त्र के अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे नौवा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम कहाँ से संकलित है तो सभी जानते हैं आनंद मठ से लिया गया करेक्ट आंसर है ऑप्शन तो आप सभी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और सभी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और आपने हमारी सभी वीडियो अब तक नहीं देखी है इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जरूर देखिएगा उन्हें जिसमें आपके जी के मैथमेटिक्स एविएसन नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज ये चारों के आपको क्वेश्चन की प्ले मिल जाएंगी जिसमें आपको मैंने लगभग वन फिफ्टी वीडियो प्रोवाइड किए हैं तो आपने इसका लिंक आपको अभी तक नहीं देखनी आपने हमारी सभी वीडियो तो जरूर देखिएगा और आप सभी को पता होना चाहिए जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम डेढ़ घंटे का है जिसमें हंड्रेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं अब उसमें बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर डेढ़ घंटे में हम तो ये डेढ़ सौ क्वेश्चन मतलब सौ क्वेश्चन हैं डेढ़ घंटे में तो आपको क्या करना है ये हंड्रेड को के हंड्रेड क्वेश्चन करके आने हैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि आपका एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग तो आप पूरा पेपर अटैम्प करें फुल पेपर जिसमें आपको हंड्रेड के और हंड्रेड क्वेश्चन करके आने और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना आपको और आपको बता दूं आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है उसके लगभग ट्वेंटी दिन बाद बीस दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप जिनको लगता है कि हमारा हो जाएगा इस एग्जाम में तो इंटरव्यू के लिए लग जाएं तैयारी करें इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी में लग जाएं क्योंकि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जो होंगे कैंडिडेट बहुत ही जल्दी इंटरव्यू होगा आपका तो कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहिएगा चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो